तू काहे डोले प्राणियां तुझ राखेगा सिरजनहार। इंसान भी किन्ना अजीब है, जिस परमात्मा ने सानू ये जीवन दिता, सब कुछ दिता, असी उन्हों ही भुल जाने, असी अमृत वेले नू ही भुल जाने, साढ़े कोल सारा कुछ करन दा वक्त हुंदा है, बट अफसोस साढ़े कोल रब नाल मिलन दा वक्त नहीं हुंदा। उन्हों मिलन दा केड़ा वक्त है? उन्हों मिलन दा तां कोई भी वक्त है, बट जेड़ा कोई विरला विरला अमृत वेले उठ के उन्हों मिलदा है, उहदियां सारियां विशेस पूरियां हो जांदियां। असी इह तां बड़ा कहने आ, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं जा रही, मेरी स्किन नहीं ठीक हो रही, मेरी सेहत नहीं ठीक हो रही, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे इदा है, मेरा कारोबार इदा हो गया, मेरे को पैसा नहीं आ रहा, मेरा बाहर का वीज़ा नहीं लग रहा। क्यों नहीं ये काम होंगे? थानू पता है क्यों अड़चना आदि है? क्योंकि असी उस सच्चे पातशाह सच्चे रब तो टुटे हुए हैं। असी जो सू दिल करता टाइम मिल गया तो गुरुद्वारे चले गए, टाइम मिल गया तो मंदिर चले गए, टाइम मिल गया तो मस्जिद चले गए, टाइम मिल गया तो चर्च भी चले गए। साढ़े को हर चीज़ कर टाइम है, खाने का टाइम है, पीन का टाइम है, दोस्तों घूमन फिरन का टाइम है, शॉपिंग करन दा टाइम है, बट अमृत वेले उठ के उस परमात्मा नु याद करन दा टाइम नहीं है। कितनी अजीब चीज़ है ना। परमात्मा नु पता सीगा ये इंसान है ना जिहड़ा मैं जिन्नू धरती ते भेज रहा, बड़ा एहसान भरा मोश है। जदों असीं माँ दी गर्भ विच उल्टे लटके हुंदे आ ना, उदों असीं रब अगे अरदासा करदे, सच्चे पातशाह मैनू दुनिया ते घल दे, मैं तेरी बंदगी करांगा, मैं तेरी आराधना करांगा, तेरी इबादत करांगा। ते रब ना अगे उह हसदा कहिंदा अच्छा, कहना तू मेरी की आराधना करनी, मेरी की इबादत करनी है, तू जिस माँ के गर्भ में बैठा होया ना, तू इस माँ को ही भुल जाना। तो उही गल होंदी है जो इंसान धरती ते आउंदा है, सारा कुछ भुल जाता है, रब न भुल जाता, बंदगी भुल जाता है, जम्मन वाली माँ के नाल असी किदां दा सलूक करते हैं, माँ प्यो नूं असी किदां रख्या होया। सोच के देखियो, थानू भी अगर जिंदगी लग रहा है कि थानू बड़िया ज़्यादा डिफिकल्टीज आ गई, सेहत चंगी नहीं रहती, कुछ ना कुछ घर चलता ही पाया, कभी कलेश, कभी नैगेटिविटी, कभी कुछ कभी कुछ। मैं थोनों सारू जो भी मेरी इस वीडियो नू देख रहे हैं, अमृत वेले उठना शुरू करो। जी हाँ, राती 12 बजे तो बाद, 1 बजे, 2 बजे, वैसे 2:30 बजे तो बाद अमृत वेला शुरू हो जाता है, 12 बजे तो बाद शुरू हो जाता है, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 5 बजे तो पहला अमृत वेले उठो, नहा धो के सुचे कपड़े पा के जपजी साहब के पाठ करो, 5 बाणियों का पाठ करो, कोई भी पाठ करो, सच्चे दिल ना ते सच्चे पातशाह अगे अमृत वेले उठ के अरदास करो, और देखो थोड़े घर जिन्या भी अड़चना है, जिन्या भी प्रॉब्लम्स है, सारिया हौली हौली अपने आप ही ठीक होनिया शुरू हो जाएगी। तुम कहोगे ये क्यों होया? क्योंकि वह परमात्मा बड़ा दयाल है। तुसी एक बारी उन्हों पुकार के देखो, अमृत वेले पुकार के देखो, तुसी आपे देखोगे। कई बार की हुंदा है, असी बड़े सालों तो पाठ करते होंगे पर साडे फिर भी काम नहीं सिरे चढ़ते, कोई पूर्व जन्मां दे साडे कर्म हुंदे, कोई पिछला लेखा चोखा हुंदा है, बट ये कभी हो नहीं सकता। परमात्मा की कोई इन्नी ज़्यादा उपाशक होवे, इन्ना ज़्यादा उहदा पाठ करदा होवे, ते परमात्मा उहनूं ना दे, हो ही नहीं सकता। थोड़ी लेट जरूर हो जाएगा, बट होएगा जरूर। घर विच एक इंसान यह जहा जरूर होना चाहिए जो अमृत वेले नाल जुड़िया होना चाहिए, क्योंकि जो तो घरे एक बंदा अमृत वेले नाल जुड़िया होंदा ना, सारी कुल तार देंदा, उस खानदान नूं तार देंदा। सो मेरिया जिन्हिया भी भैणां मैं बनदी आ, मेरे वीरां नूं टाइम नहीं मिलता, बट जे मेरे वीर भी उठ जाण, सारे जने उठ के अमृत वेले पाठ करो, सच्चे दरबार विच अपनी हाजरी लवाओ, तुसीं देखोगे तुहाडे सारे दुख कट्टे गए इस जन्म दे, अगले जन्मां दे पता नहीं असीं कित्थों आए हां ते कित्थे जाणा। बट मैं डाइट तो चलो एक अलग गल है, फिल्मों तो चलो एक अलग गल है, बट मैनू हमेशा ये हुंदा कि असी सारे जने अमृत वेले उठीए। पहला मैं भी नहीं सी उठती हुंदी, बट बहुत साल हो गए, आई थिंक 10-12 साल शायद, उस तो भी ज़्यादा, बचपन तो ही साढ़े घर कुछ यहोजे महापुरश आए जिन्होंने जन्म लिया सीगा, शायद उन्होंने आशीर्वाद है जो अमृत वेले नाल जुड़ गई, सच्चे पातशाह नाल जुड़ गई, उन्होंने जोड़िया। सो मेरी ऑलवेज ये कोशिश होंदी है कि अमृत वेला नहीं छुटना चाहिए, अमृत वेले जरूर उठो, सारा दिन बड़ा सुकून मिलता है, पाठ करो, अरदास करो, हो सके तो गुरुद्वारा साहब जाओ, अमृत वेले गुरुद्वारा साहब जरूर जाया करो, मत्था टेक के आ जाओ, 5 मिनट बहना है 5 मिनट बह के आ जाओ, तुसी देखियो कितना मन नूं सुकून मिलेगा, थोड़ी सेहत चंगी होनी शुरू हो जाएगी, सारा कुछ चंगा होना शुरू हो जाएगा, सारिया बीमारियां अपने आप जानिया शुरू हो जाएंगी। जिस घर में अमृत वेले उठ के इबादत होंदी होवे, उत्थे कदी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। ये देखिया होया, अजमाया होया, करके देखो, कोई भी जिंदगी च कोई रुकावट है, थोड़ियां सारियां रुकावटां दूर हो जाएंगी। शायद मेरी इस वीडियो दे नाल किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी की तकदीर बदल जाए, किसी की लाइफ बदल जाए। सो इस वीडियो नूं वध तों वध भैणां तक शेयर करो, हर भैण
ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਦੇਖੀ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।